रिसेंटली हुंडई ने उनके 7-सीटर एसयूवी अल्काज़ार को अपडेट कर दिया है, जिसमें अब न्यू 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है। बट रिसेंट में और एक एसयूवी को भी प्रॉपर अपडेट मिला है। जी हाँ, हम यहाँ पे टाटा सफारी की बात कर रहे हैं। बट सफारी के टॉप वेरियंट की प्राइस ऑलमोस्ट 25 लाख एक्सरूम है, जहाँ पे अल्काज़ार का टॉप वेरियंट अप्रोक्स 21 लाख का मिलता है। तो अगर आप एक 7-सीटर एसयूवी लेना चाहते हो तो न्यू अल्काज़ार लेनी चाहिए या फिर न्यू टाटा सफारी। एंड क्या सफारी के एक्स्ट्रा प्राइस देना वर्थ है? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। अल्काज़ार की लेंथ 4500 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की लेंथ 4661 मिलीमीटर है। अल्काज़ार की विड्थ 1790 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की विड्थ 1894 मिलीमीटर है। अल्काज़ार की हाइट 1675 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की हाइट 1786 मिलीमीटर है। अल्काज़ार में आपको 2760 मिलीमीटर का व्हीलबेस मिलता है, जहां पे सफारी में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हीलबेस मिलता है। एंड अल्काज़ार में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे सफारी में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस में सफारी बड़ी है अल्काज़ार से, जिसके कारण रोड प्रेजेंस में सफारी ज्यादा बड़ी कार लगेगी, जहां पे अल्काज़ार की हाइट कम होने के कारण वो थोड़ी एमपीवी जैसी भी लगती है। बट हाँ, व्हीलबेस में अल्काज़ार में थोड़ा ज्यादा व्हीलबेस मिलता है, बट ये डिफरेंस बहुत ही माइनर है। बट ऑलमोस्ट सिमिलर व्हीलबेस के कारण दोनों में केबिन स्पेस ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन की। सफारी में आपको एक ही डीजल इंजन मिलता है। सफारी में आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 168 bhp का पावर इन 350 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जहां पे अल्काज़ार में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से 158 bhp का पावर एंड 253 nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन से 114 bhp का पावर एंड 250 nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो पावर वाइज सफारी का डीजल इंजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अल्काज़ार के डीजल इंजन से, एंड सफारी का डीजल इंजन अल्काज़ार के पेट्रोल इंजन से भी पावरफुल है। बट वो कंपैरिजन सही नहीं रहेगा, बिकॉज कई सारे लोगों को ओनली पेट्रोल इंजन ही चाहिए होता है, जो कि आपको सफारी में ऑप्शन नहीं मिलता। अब बात करते हैं माइलेज की। तो टाटा सफारी की क्लेम माइलेज 14.08 किलोमीटर पर लीटर है, जहां पे हुंडई अल्काज़ार की पेट्रोल की क्लेम माइलेज तो अब तक रिवील नहीं हुई, बट इंजन एंड कार साइज के हिसाब से आप बिलो 12 टू 14 किलोमीटर पर लीटर तक की मैक्सिमम माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां पे अल्काज़ार के डीजल इंजन की क्लेम माइलेज 18.1 किलोमीटर पर लीटर है। मतलब कि डीजल इंजन में पावर वाइज अल्काज़ार थोड़ी अंडर पावर्ड है, बट माइलेज वाइज अल्काज़ार में बेटर माइलेज मिलता है सफारी से। बट हाँ, ये सब क्लेम माइलेज है, जो रियल लाइफ में डिफरेंस कंडीशन एंड ड्राइविंग स्टाइल पर चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। सो दोनों कार्स के एक्सटीरियर डिजाइन तो टोटली डिफरेंट है, सो ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको दोनों में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट पर्सनली मुझे दोनों में सफारी डिजाइन वाइज ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि अल्काज़ार का डिजाइन क्रेटा से ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड क्रेटा पर्सनली मुझे उतनी ब्यूटीफुल कार नहीं लगती। बट हाँ, आपको दोनों में से कौन सी कार ज्यादा बेटर लगती है ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट दोनों कार्स के एक्सटीरियर में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको 18 इंच एलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ, 4 डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, शार्क फिन एंटीना एंड LED टेल लाइट एंड LED DRL जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। एंड सफारी में आपको ज़ेनर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं, जहाँ पे अल्काज़ार में आपको LED हेडलाइट्स मिलते हैं। एंड सफारी में हेलोजिन फॉग लैंप्स मिलते हैं, जहाँ पे अल्काज़ार में आपको LED फॉग लैंप्स मिलते हैं। एंड सफारी में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं, जो आपको अल्काज़ार में नहीं मिलते। सो एक्सटीरियर डिजाइन आपकी चॉइस पे डिपेंड है, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज अल्काज़ार बेटर है, बिकॉज अल्काज़ार में आपको सब LED लाइट्स मिलती हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि दोनों में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 8.25 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, स्टेयरिंग मार्कर कंट्रोल्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, वेंटिलेटेड सीट्स, सेकेंड रो कैप्टन सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 360 कैमरा, ऑटो डिमिंग ORVM, कनेक्टेड कार फीचर्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री एंड ड्राइवर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट सफारी में आपको इलेक्ट्रिक सीट में मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है, जो अल्काज़ार में आपको नहीं मिलता। एंड सफारी में आपको सेकेंड रो वेंटिलेटेड सीट्स एंड बोस मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो आपको अल्काज़ार में नहीं मिलते। सो इंटीरियर वाइज दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स मिलते हैं, बट सफारी स्लाइटली बेटर है, बिकॉज उसमें आपको रियर वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज अल्काज़ार या फिर टाटा सफारी का तो क्रैश टेस्ट अब तक नहीं हुआ, बट अल्काज़ार क्रेटा वाले प्लेटफॉर्म पे ही बनाई गई है, जिसको ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 3 स्टार्स ही मिले थे।
जहाँ पे सफारी JLR बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है एंड ओवरऑल टाटा मोटर्स की सेफ्टी हिस्ट्री भी अच्छी रही है। सो बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी वाइज तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि सफारी थोड़ी बेटर है। एंड अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की तो न्यू सफारी में टॉप वेरिएंट में आपको एडास फीचर्स भी दिए गए हैं जिसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एंड हाई बीम असिस्ट जैसे कई सारे यूजफुल ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं जो अल्काज़ार के किसी भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलते। एंड दोनों कार्स में आपको 6 एयरबैग्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, PPMS एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स आपको कॉमन मिलते हैं। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको टाटा सफारी लेनी चाहिए या फिर Hyundai अल्काज़ार। अगर आपके लिए पावरफुल डीजल इंजन, बेटर लुक्स, ज्यादा सेफ्टी एंड एडवांस फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं तो इन दोनों कार्स में से आपके लिए टाटा सफारी बेटर रहेगी। एंड जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा, दोनों कार्स के हायर वेरिएंट्स के बीच ऑलमोस्ट 4 लाख का प्राइस डिफरेंस है। एंड इस प्राइस डिफरेंस में आपको रियर वेंटिलेटेड सीट्स, बेटर बिल्ड क्वालिटी, ज्यादा इंजन पावर, बड़ी कार एंड एडवांस फीचर्स मिलते हैं। सो अगर आपका बजट अलाउ करता है एंड आपको एक पावरफुल एंड सेफ SUV चाहिए तो इन दोनों कार्स में से टाटा सफारी आपके लिए बेस्ट रहेगी। बट अगर आपको कम प्राइस में एक 7 सीटर चाहिए जिसमें नॉर्मल ड्राइव के लिए सफिशियंट पावर हो, अच्छी माइलेज हो या फिर आपको एक पेट्रोल इंजन चाहिए तो फिर ऐसे केस में आपके लिए Hyundai अल्काज़ार बेटर रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन Hyundai अल्काज़ार एंड टाटा सफारी के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी तो आप कौन सी कार पसंद करोगे, Hyundai अल्काज़ार या फिर टाटा सफारी? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। Thank you.